कोलेक्टिन एंड कोलेक्टिन प्लस, इसे से रिलेटेड बात करेंगे। कोलेक्टिन ऑलरेडी मैंने वीडियो कवर कर चुका हूँ, आज हमारा मेजर फोकस होगा कोलेक्टिन प्लस से रिलेटेड। दोनों का काम क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, बात करेंगे। वैसे दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम ही है, लॉस ऑफ एपेटाइट को ठीक करना। भूख नहीं लग रही है पेशेंट को, या फिर बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हाँ लेकिन 2 साल के ऊपर, आप 2 साल के नीचे, 2 साल के अंदर ये सिरप का यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ी सी सेडेटिव रहती है, नींद आने की समस्या रहती है, तो 2 साल के नीचे नहीं यूज़ करना है। देन सीनियर सिटीज़न है, 60 अबो हैं, उनको भी थोड़ा डाइट का इशू रहता है, खाते पीते नहीं हैं, तो उनके लिए भी ये सिरप बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कैसे देते हैं और किस केसेस में दे सकते हैं। कोलेक्टिन प्लेन कोलेक्टिन है, इसमें जो कंटेंट है सिर्फ साइप्रोहेप्टाडीन है, तो इससे क्या होगा, भूख अच्छी लगेगी। अगर खाना पीना नहीं खा रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा है, तो आप इसे 5 ml मॉर्निंग में, 5 ml इवनिंग में, खाली पेट बिफोर, एम्प्टी स्टमक देना है। एंड सेम गोज टू कोलेक्टिन प्लस से रिलेटेड, इसको भी आप एम्प्टी स्टमक देना है। बट दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, ये कोलेक्टिन प्लस जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हमारे शरीर में कहीं अल्सर हो गए, पेप्टिक अल्सर कह लो, छाले हो गए हैं, खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस्ट्रिक की शिकायत है, गैस बन रहा है, गैस्ट्राइटिस है, ये सब आपका बी कॉम्प्लेक्स सिरप ठीक करेगा। इसलिए दोस्तों इसका नाम है कोलेक्टिन प्लस, एंड सादा कोलेक्टिन जिसमें सिर्फ कंटेंट है साइप्रोहेप्टाडीन। दोस्तों यही दोनों डिफरेंस है दोनों के बीच में, यही एक मेजर डिफरेंस है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इसे देना कैसा होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 5 ml सुबह, 5 ml शाम में बिफोर फूड, एम्प्टी स्टमक देना होगा। साइड इफेक्ट की बात कर लें, थोड़ा सा नींद आने की समस्या बनी रहती है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई एज स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं होता कि नींद नहीं आएगी, हल्का नींद आती। अगर नींद आने की दिक्कत होती है तो आप, मैं सजेस्ट करता हूँ ओडी में एक टाइम सिर्फ रात में लेना होता है 5 ml, जिसका मॉर्निंग में जॉब रहता है तो वो इसका यूज़ ना करें, क्योंकि कभी कभी नींद आ सकती है, तो इसका एक टाइम 5 ml रोज रात में लीजिए बिफोर फूड। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।